हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्योर फन यूट्यूब चैनल पर। और फोटोशॉप सीरीज़ के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलर रेंज के बारे में। दोस्तों, कलर रेंज से हम फोटो के अंदर किसी भी कलर को बहुत जल्दी सिलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फोटोशॉप ओपन कर लिया हमने, यहाँ पे एक फाइल लेके आते हैं। ये फाइल लेके आते हैं, कलर रेंज का ऑप्शन आपको सेलेक्ट मेन्यू के अंदर फोकस एरिया के ऊपर कलर रेंज यहाँ से मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसमें सबसे पहले अगर आपको कोई कलर सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, रेड, येलो, ग्रीन। यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन हम सैम्पल्ड कलर पर क्लिक करते हैं। और ये सैम्पल्ड कलर के तीन ऑप्शन हैं। ये यहाँ से हम ये ग्रीन कलर है, इसका सैम्पल ले रहे हैं। चलिए रेड कलर का सैम्पल लेते हैं। ये रेड कलर का सैम्पल हमने ले लिया। अब इसमें ऐड करते हैं और सैम्पल ऐड करते हैं रेड कलर के ही। ये क्लिक करते हैं, जहाँ जहाँ भी हम क्लिक करेंगे वहाँ से ये सिलेक्शन में ऐड होता जाएगा। देखिए, ऐड कर लिया। फ्यूजीनेस से हम इसका सिलेक्शन कम या ज़्यादा घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए, अब हम ओके पे क्लिक करते हैं। ये देखिए, ये सिलेक्शन हो गया। अब कलर चेंज करने के लिए आप इमेज मेन्यू में जाइए, एडजस्टमेंट में जाइए और ह्यू और सैचुरेशन इस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ से आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए, ह्यू के ऊपर एडजस्ट करने से कलर चेंज हो रहा है। और यहाँ से आप कलर की जो है रेंज डिसाइड कर सकते हैं, आपको कलर किस रेंज में चाहिए। और उसकी यहाँ से आप उसकी लाइटनेस, उसके अंदर कलर के अंदर कितनी लाइटनेस होनी चाहिए ये एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर कितनी आसानी से कलर चेंज कर लिया। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और फ़ोटो लेके आते हैं। जैसे ये फ़ोटो लेके आते हैं, इसके अंदर येलो कलर है, तो हमें येलो कलर को सेलेक्ट करना है। तो हम सेलेक्ट मेन्यू में जाएंगे, कलर रेंज में जाएंगे, सैम्पल्ड कलर के अलावा हम डायरेक्ट येलो पर क्लिक कर देंगे तो येलो कलर सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये येलो कलर पूरी फ़ोटो में जहाँ पर भी है वो सेलेक्ट हो गया है। अब हमें इसे इस येलो कलर को सेलेक्ट नहीं करना है, हमें बाकी जो रह गया है उसको सेलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सेलेक्ट मेनू में जाके इन्वर्स कर देंगे, तो ये येलो कलर के अलावा जो बाकी जो भी कलर है उसको सेलेक्ट कर लेगा। ये देखिए, ये येलो कलर के अलावा सभी कुछ सेलेक्ट हो गया है। अब हम इमेज मेन्यू में जाते हैं, एडजस्टमेंट में जाके इसको फ़ोटो को डिसैचुरेट कर देते हैं। ये देखिए, ये हमने डिसैचुरेट कर दिया। ये देखिए, इस तरह से आप फ़ोटो में, कलर फ़ोटो में ब्लैक एंड वाइट इफ़ेक्ट दे सकते हैं। ये शादी वगैरह की एल्बम में बहुत यूज़ में आता है। आप इस तरह से फ़ोटो को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी फ़ोटोशॉप सीख पाए। तो दोस्तों, आज के
इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे ग्रो और सिमिलर के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स।